गाइस, सो हेलो एवरीवन। आज एप डिबिंग की सेकंड वर्कशॉप है एंड वी आर टुडे स्टार्टिंग विद द फ्लटर। सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लटर। सो व्हाट इज फ्लटर? बेसिकली फ्लटर इज एन ओपन सोर्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर व्हिच इज डेवलप्ड बाय द गूगल एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप द क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। नाउ द न्यू वर्ड कम्स हियर इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। व्हाट इज मीन बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म? एज यू गाइस नो दैट देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच रन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस लाइक एप्पल डिवाइसेस रन ऑन मैक ओएस, सम डिवाइसेस रन ऑन लिनक्स, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स, पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स रन ऑन विंडोज एंड आर मोबाइल फोन्स रन ऑन एंड्रॉइड, आईओएस। देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर distributed over different types of devices, and all these devices have some specific range of applications which run on these operating systems for a better user experience and better UI interaction. Like there are some gaming applications, there are some programming applications, there are some management applications, there are many kind of applications, and these applications are specific according to the platform. So this is where Flutter comes in. Because it is a developer friendly framework. Because what happens is, for a platform specific application, you have to code or you have to develop the application in the different programming languages. Like Android supports Java and native C++ programming language for developing Android applications, and iOS supports Objective-C and Swift programming language. So like to develop platform specific applications, we need platform specific programming language or framework. So it is a bit developer unfriendly. So what happens is, like you are aiming to become an app developer, so for Android you have to study Java also, for iOS you have to study Swift also. So it is a bit chaosy task. Like तो दो दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है, एक एंड्रॉइड के लिए, एक आईओएस के लिए। सो यही फ्लटर आता है। तो फ्लटर बेसिकली क्या होता है, वो डार्ट फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया है। बेसिकली ओपन सोर्स, जैसे कि फॉस वर्कशॉप में आपको बताया होगा कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है इसको अपने हिसाब से। तो फ्लटर को भी अपन कैसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जो डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए आपके एप्स को बिल्ड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बोलते हैं, सो व्हाट इज डार्ट है। सो डार्ट जैसे आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, ऐसे डार्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटेक्स सी और जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है। और सबसे अच्छी बात जावास्क्रिप्ट डार्ट की ये है, इट कैन ईदर कंपाइल टू नेटिव कोड। Like what is native code? That natively runs on any machine. Like it can directly compile into 1011. Like that is known as binary code. It can either compile into JavaScript also. So it is a good programming language for developing websites also. So, and the best part which comes in the Dart is it has many kind of interfaces, mixins, abstract classes. Abstract classes means उसमें कुछ बनी बनाई क्लासेस होती है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। यू कैन रिलेटेड टू लाइब्रेरीज आल्सो एंड सम गुड टाइप इन्फरेंस। सो व्हाई टू यूज फ्लटर? सो एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, लाइक फ्लटर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। विद द यूज ऑफ फ्लटर वी कैन डेवलप वन एप्लीकेशंस दैट कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। लाइक अभी जब मैंने बताया था कि एंड्रॉइड के लिए आपको जावा पढ़नी पड़ेगी, आईओएस के लिए आपको स्विफ्ट पढ़नी पड़ेगी, बट फ्लटर से ये होगा आपको सिर्फ डार्ट स्टडी करना है। अच्छे से डार्ट स्टडी करके आप फ्लटर को यूज करते हो, आप एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बना सकते हो, आईओएस एप्लीकेशन बना सकते हो, और वेराइटी ऑफ ओएस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। आपके एप्स विंडोज पे भी चल सकते हैं, आपके एप्स लिनक्स पे भी चल सकते हैं, आपके एप्स मैक पे भी चल सकते हैं। फिर and the second thing that Flutter is widely used by developers, once it's launched, then it has increased productivity. Why? Because it due to its good features like hot reload and hot restart, developers can see changes in the app state less than a second. Like वेबडी वर्कशॉप में आपको बताया होगा कि जैसे हम रिफ्रेश करते हैं किसी भी वेबसाइट को, या कोई भी हम HTML CSS का कोड लिखते हैं फिर उसको रिफ्रेश करके चेंजेस देते हैं,
सेम फ्लटर में भी यही इम्प्लीमेंट होता है, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट के नाम से। हॉट रीलोड जब हम किसी ऐप को करते हैं तो हमको अपने ऐप में न्यू चेंजेस दिखने लगते हैं, सो डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस्ड। थर्ड थिंग, फ्रंट एंड बैक एंड विद सिंगल कोड, कल आपको जैसे जो फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी उसमें बताया था कि एक्सएमएल में क्या होता है, आपका डिजाइन होता है, और जावा में आपका पूरा एक्टिविटी कंट्रोल होती है। सो इट इज अ बिट क्लमजी कि तुमको दो फाइल्स को साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है। तुमको आईओएस, तुमको तुमको डिजाइन भी साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है एक्सएमएल में, और तुमको जावा भी साथ में मैनेज करना पड़ता है फंक्शनैलिटी के लिए। बट इसमें क्या होता है फ्लटर में कि तुमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि डार्ट में ही, तुम्हारे डिजाइन भी डार्ट में ही होगा, तुम्हारा बैकएंड या जो भी फंक्शनैलिटी है कि बटन को टैप करने से क्या होगा, या कोई डेटाबेस से डेटा फेच करना है, या और भी सारी फंक्शनैलिटी, वो सारी डार्ट भी तुम्हारे आराम से हो सकती है। द फोर्थ इंप्रेसिव थिंग अबाउट फ्लटर इज इट हैज हाईली कस्टमाइजेबल विजेट्स। लाइक फ्लटर कम्स विद प्री बिल्ड पैकेजेस, लाइक इट हैज प्री बिल्ड काइंड ऑफ बटन्स, इट हैज सम गुड विजेट्स लाइक चेक बॉक्स, रेडियो बटन, स्लाइडर, एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ विजेट्स व्हिच आर कस्टमाइजेबल फ्लटर, एंड ये विजेट्स प्री बिल्ट आते हैं पहले से, तो इनको यूज करके आप और ढेर सारे विजेट्स बना सकते हो। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ गुड थिंग, क्योंकि एंड्रॉयड, नेटिव एंड्रॉयड में क्या होता है, तुमको एक्सएमएल में पहले विजेट डिजाइन करना पड़ता है, फिर उस डिजाइन के हिसाब से उसमें जावा में फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है। तो क्लमजी टास्क को ये कम करता है डार्ट और फ्लटर में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट फ्लटर इज इट हैज डिफरेंट थीम्स फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस। सो आप में से कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एंड्रॉयड फोन भी चलाया होगा, आईओएस फोन भी चलाया होगा, तो आपने देखा होगा कि एप्पल का यूआई डिजाइन सिस्टम जिसको क्यूपर्टिनो कहते हैं, वो अलग है एंड्रॉयड के मटेरियल डिजाइन सिस्टम से। तो ऐसा हो सकता, तो अभी जैसे हमने कहा कि जो फ्लटर है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलप करता है, तो अगर आपको एंड्रॉयड ऐप को एंड्रॉयड की तरह दिखाना है, मतलब मटेरियल यूआई में दिखाना है, और आईओएस को क्यूपर्टिनो यूआई में दिखाना है, तो इट कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड इन डार्ट की, मतलब वी कैन चेक कि हमारा एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, तो वो चेक करके, अगर इफ इट इज रनिंग ऑन एंड्रॉयड वी विल रेंडर द मटेरियल यूआई, एंड इफ इट इज रनिंग ऑन आईओएस वी विल रेंडर द क्यूपर्टिनो यूआई। सो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है, मटेरियल क्या होता है, क्यूपर्टिनो क्या होता है, बट डोंट वरी, हम आगे सब एक्सप्लेन करेंगे। सो फिर आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कि जैसे कि कल आपने देखा था कि कोई भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट होता है तो उसमें मतलब कौन कौन सी फाइल्स रहती है, तो कोई भी फ्लटर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये सारी फाइल्स रहती है। सो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं कि जो फर्स्ट फाइल फोल्डर होता है तुम्हारा डॉट आईडीई, वो क्या करता है, तुम्हारा जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन और तुम्हारे सेटिंग्स हैं वो इसमें रखता है। देन वी कम टू एंड्रॉइड। सो फ्लटर प्रोजेक्ट जैसे कि पहले ही बताया कि क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, तो आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के बिल्ड मिलते हैं, तो इस फोल्डर में तुम्हारा एंड्रॉइड का सारा सारा सोर्स कोड रहता है, जो फ्लटर यहाँ से कंपाइल होके जो एंड्रॉइड का सोर्स कोड रहता है वो सारा इधर रहता है, जिसमें 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 तुम्हारे जावा और एक्सएमएल फाइल्स रहती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ये फोल्डर एडिट नहीं करना रहता है, क्योंकि हम जो भी करेंगे सिर्फ डार्ट में करेंगे और डार्ट फाइल जिसमें नहीं जाती। फिर आता है बिल्ड फोल्डर, जिसमें हमारा कंपाइल्ड फ्लटर कोड रहता है, जिसमें जो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करोगे तो ये फोल्डर हमेशा आपका अपडेट होगा, और जब आप प्रोजेक्ट का फर्स्ट टाइम लॉन्च करोगे तो ये फोल्डर क्रिएट होगा। तो जब भी हम किसी फ्लटर ऐप को फर्स्ट टाइम क्रिएट रन करते हैं तो सबसे पहले ये फोल्डर क्रिएट होता है, क्योंकि दिस कंटेन्स द कंपाइल्ड कोड ऑफ योर डार्ट फाइल्स, और इसमें भी कोई मैनुअली चेंज करने की नीड नहीं रहती है। सेम आईओएस फोल्डर, जैसे कि अपन ने देखा था कि ये एंड्रॉयड फोल्डर है, तो इसमें एंड्रॉयड का बिल्ड रहेगा, इसमें आईओएस का बिल्ड रहता है, कि जो एक्सकोड के साथ कनेक्ट होके आपके मैक मैक डिवाइसेस और आईओएस डिवाइसेस पे चल सकता है। सो जैसे कि एंड्रॉयड में कुछ मैनुअली चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे आईओएस में भी मैनुअली चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। देन कम्स द लिब फोल्डर। सो व्हाट हैपेंस इन लिब फोल्डर, दिस इज द फोल्डर वेयर तुम्हारा डार्ट का पूरा सोर्स कोड रहता है, तुम्हारी जितनी भी डार्ट फाइल्स होंगी वो लिब फोल्डर में रहेंगी, और
इस लेफ फोल्डर में एक फाइल होती है मेन डॉट डॉट दैट इज नोन एज द एंट्री पॉइंट फाइल। वहीं से तुम्हारा पूरा फ्लटर प्रोजेक्ट रन होता है। तो तुम जब भी कोई नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाओगे तुमको ये सारे फोल्डर मिलेंगे, जिसमें जो लेफ्ट फोल्डर होगा वहां पे तुमको एक मेन डॉट डॉट फाइल मिलेगी जिसमें तुम अपना पूरा फ्लटर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस फोल्डर इज नोन एज टेस्ट। जब भी तुम्हारा जब ऐप बन जाएगा या जो भी तुम एप्लीकेशन बनाओगे तुमको हर एक एस्पेक्ट उसका टेस्ट करना होगा कि ये विजिट चल रहा है, ये विजिट चल रहा है। सो दिस कंटेन्स द फाइल्स विच आर यूज फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग फॉर द बिल्ड। सो दिस फाइल डॉट मेटा डेटा दिस इज यूज टू ट्रैक द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लटर प्रोजेक्ट, और इसको भी मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। और क्योंकि ये जो भी फाइल्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैनुअली मैनेज करने की जरूरत नहीं रहती, वो इसलिए क्योंकि वो फ्लटर फ्रेमवर्क खुद मैनेज करता है। सेम ऐसी डॉट पैकेजेस फाइल, इसमें क्या रहता है कि तुम्हारी जो भी लाइब्रेरीज, जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी तुम यूज कर लो अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी उस सब की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। सो पबस्पेक डॉट एम एल सो पबस्पेक डॉट एम एल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल इन फ्लटर प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज इट इज द वन फाइल जिसमें तुम्हारा पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन एक ब्लूप्रिंट फॉर्म में लिखी होती है कि तुम्हारा SDK वर्जन कौन सा है, तुम्हारा तुम्हारे में लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज कौन सी है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में फॉन्ट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट में इमेजेस या और भी GIF या और भी कोई थर्ड पार्टी असेट अगर यूज हो रहा है तो वो क्या क्या है। सो इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए फ्लटर प्रोजेक्ट। सो यू कैन सी कि कैसा दिखता है पबस्पेक डॉट एम एल। यहाँ तुम्हारे एप्लीकेशन का नेम रहेगा, तुम्हारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, तुम्हारे एप्लीकेशन का वर्जन रहेगा, तुम्हारे एप्लीकेशन तुम जिस भी एनवायरनमेंट जिस भी SDM उसको डेवलप कर रहे हो उसका वर्जन रहेगा, तुम्हारी डिपेंडेंसीज रहेगी कि तुम फ्लटर SDK यूज कर रहे हो, तुम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तुम HTTP लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तुम URL लॉन्चर यूज कर रहे हो, तुम शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज कर रहे हो। सो दीज आर सम डिपेंडेंसीज एंड दीज आर द थर्ड पार्टी असेट्स कि तुम्हारी ये सारी इमेजेस तुम्हारे ऐप में यूज हो रही है, ये सारे फॉन्ट्स तुम्हारे ऐप में यूज हो रहे हैं, तो इटैलिक वाला तो उसका इटैलिक लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा रेलवे फॉन्ट यूज हो रहा है तो उसका इटैलिक वर्जन भी यूज हो रहा है और उसका बोल्ड वर्जन भी यूज हो रहा है। सो हेयर आर द विजेट्स, यहाँ से अवनीश कंटिन्यू करेगा। अवनीश कंटिन्यू कर। हेलो। तो अब यहाँ पे विजेट्स के बारे में बात करते हैं। तो विजेट्स क्या है? बेसिकली कुछ भी जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, तुम ऐप खोलते हो तो उसपे बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, लिस्ट होती है, कुछ भी एक UI एलिमेंट जो भी है उसको बोलते हैं विजेट। और फ्लटर के केस में हर चीज एक विजेट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ विजेट। तुम मोस्टली जितना भी कोड करोगे सब कुछ विजेट्स में ही होगा। और ये दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। तो सॉरी बताएगा तुमको क्या करना है स्टेटफुल और स्टेटलेस में। तो टाइप्स ऑफ विजेट्स डिस्कस करने से पहले दो तीन डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक ने पूछा था फ्लटर के लिए कौन सी IDE यूज़ करना है। तो तुम दोनों कर सकते हो, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ऐसे लाइट वेट रहता है, कम रैम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड स्टूडियो। और दूसरा पूछ रखा है कि सो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम जावा टू फ्लटर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऐप डेवलपमेंट विंग में इस बार फॉर्चुनेटली दोनों टाइप के मेंबर्स हैं जिनको फ्लटर भी आता है प्लस जिनको वो भी आता है नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो दोनों चीज़ें हम तुम्हें सिखा रहे हैं, जो भी तुम्हें सही लगता है उस चीज़ को तुम कंटिन्यू कर सकते हो आगे। आईड रिकमेंड कि तुम हाँ बोलो। और एक चीज की ये नहीं कि अगर मतलब फ्लटर सीख लिया तो जावा कभी नीड नहीं पड़ेगी। जावा का भी अपना खुद का काम है। लाइक तुमको बैकग्राउंड सर्विसेज जब क्रिएट करना होगा तो कभी कभी जावा का कोड लिख के भी कनेक्ट करना होगा। हाँ, तो मतलब आई गेस जितने भी हम लोग फ्लटर वाले हैं, हम लोगों ने भी पहले जावा में ही सीखा था एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे फ्लटर में, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रख लो कि ऐसे नहीं कि कोई एक पकड़ लिया, मतलब एटलीस्ट जो 1 वीक है उसमें तो दोनों कंटिन्यू करो जितना कर सकते हो, उसके बाद फिर जो कंफर्टेबल लगे उसमें आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो बेसिकली विजेट्स जैसे अवनीश ने बोला कि हर चीज़ विजेट है एक फ्लटर में। ठीक
ठीक है, चाहे वो तुम्हारी स्क्रीन हो पूरी की पूरी, चाहे वो कोई एक स्क्रीन का छोटा सा कंपोनेंट हो, हर कोई चीज़ एक विजेट है। अब विजेट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेटलेस या फिर स्टेटफुल विजेट। ठीक है, अब स्टेटलेस विजेट क्या होता है कि मान लो तुम्हारे स्क्रीन में तुमने जो ऐप बनाया उसमें एक बंदे को कुछ भी इनपुट देना है, और जो भी वो इनपुट देगा उसका कुछ कंप्यूट करके आउटपुट प्रेजेंट होगा। ठीक है, या मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है, जैसे मान लो तुमने एक स्लाइडर भी अगर यूज़ कर लिया ना, कि मान लो जैसे गूगल फॉर्म्स में होता है एज सेट करते टाइम कुछ भी, तो अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तो वो एक स्टेटफुल विजिट बन जाएगा, और जिसमें भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा वो एक स्टेटलेस विजिट होगा। मान लो तुम्हारा ऐप बस एक स्क्रीन है जिसमें तुमने सारा डेटा दिखाना है, उससे यूज़र उसके ऊपर क्या कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक स्टेटलेस विजिट माना जाएगा। एंड अगर तुम्हें कुछ भी चेंज होता हुआ दिखाना है तो वो एक स्टेटफुल विजिट दिखाया जाएगा। तो बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में यही है कि अगर तुम्हारी स्क्रीन में कोई भी एक चीज़ चेंज होएगी तो वो स्टेटफुल विजिट होगा अगर तभी हो पाएगी, नहीं तो अगर नहीं चेंज हो रही तो तुम एक स्टेटलेस विजिट का यूज़ करके भी वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। और मतलब इसमें एक लास्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड पे भी डिस्कस होगी, कि जो भी स्टेट चेंज होनी है उस स्टेट को चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करते हैं हर बार, जिसको कहते हैं सेट स्टेट। ठीक है, अगर कुछ भी तुम्हें चेंज करना है अपनी स्क्रीन के अंदर तो तुम्हें सेट स्टेट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सेट स्टेट फंक्शन क्या करता है कि जो भी तुम्हारी स्टेटफुल विजिट है जिसके अंदर ये कॉल हुआ है फंक्शन, उस स्टेटफुल विजिट को पूरा का पूरा रीड्रॉ कर देता है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता इतना। हो सकता है टाइम भी लगे अगर तुम्हें ऐसे इंटरनेट से कुछ डेटा फेच करना है या कुछ भी करना है, और टाइम कंज्यूमिंग है तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, पर अगर तो नॉर्मल चीज़ है इनपुट लेके आउटपुट देना, वो तो मिली सेकेंड्स में हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि पूरी की पूरी स्क्रीन वापस से रीड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चल जाते हैं। जैसे स्टेट मैनेजमेंट, अब स्टेट मैनेजमेंट को ही बोलते हैं, मतलब अगर तुम्हारी स्क्रीन में कोई भी चेंज हो रहा है और वो चेंज तुम्हें प्रेजेंट करना है तो उसी को हम स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर विजिट में कुछ चेंज कर रहे हो तुम, किसी भी स्टेटफुल विजिट में कुछ भी चेंज कर रहे हो तुम, तो तुम्हें सेट स्टेट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर तो ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट विजिट्स में कर रहे हो कॉल, मतलब छोटा सा ही ऐप है तुम्हारा, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो सेट स्टेट करने से ही काम हो जाता है। पर मान लो कि तुम्हें बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ विजिट्स में एक बारी में ही सेट स्टेट फंक्शन कॉल करना, तो तुम्हें थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का काम करना पड़ काम मतलब उनसे उनके थ्रू करना पड़ता है ये चीज़। तो कुछ एक थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज एंड ब्लॉक गेटेक्स प्रोवाइडर, और मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है, पर मतलब जितने भी एप्स मैंने बनाए एटलीस्ट उसमें मैंने बस प्रोवाइडर तक का यूज़ किया, उससे ऊपर मैं भी नहीं गया। ठीक है, तो इतना नहीं होता कि इतनी कोई सडन नीड नहीं आती, पर हो सकता है कि तुम्हें यूज़ करना पड़े कोई थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली वही चीज़ है कि अगर तुम्हें कुछ भी अपने स्क्रीन में चेंज हो रहा है उसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हें स्टेट मैनेजमेंट का मतलब यूज़ लेना पड़ेगा, और स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ लेने के लिए दो ऑप्शंस है, इधर तुम सेट स्टेट फंक्शन कॉल करो या फिर तुम किसी थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करो। ठीक है, तो तेजस नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्लटर के बेसिक विजिट्स क्या होते हैं? जैसे विजिट एक बस एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा प्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब चाहे वो एक वो किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो वो कंटेनर होगा, कंटेनर बेसिकली मतलब आगे बताता हूँ क्या होता है, पर कंटेनर को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंटेनर के अंदर काफ़ी चीज़ें हम डाल सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो रो हो, कॉलम हो, बटन हो कोई, तो ऐसे ऐसे करके कई सारे विजिट्स होते हैं। तो एक कंटेनर होता है, स्टैक होता है, स्टैक आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं अभी इसी पीपीटी में, फ्लेक्स बॉक्स साइज्ड बॉक्स होते हैं, इसको भी आगे एक्सप्लेन कर देंगे, टेक्स्ट रिच टेक्स्ट इमेज रो कॉलम,
तो और बटन्स होते हैं तीन चार टाइप के, काफ़ी टाइप के होते हैं। तो ठीक है आगे चलते हैं फिर। तो सबसे पहले है कंटेनर। कंटेनर एक खाली एरिया है, स्पेस है स्क्रीन का, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कंटेनर के अंदर क्या डालना है। अब कंटेनर के अंदर तुम खाली कंटेनर रख सकते हो। अगर तो जैसे कि कोड वाला पार्ट देखो अगर, तो सबसे पहले सेंटर आ रखा है, ठीक है। सेंटर भी एक विजिट है। सेंटर विजिट क्या करता है कि सेंटर, जो भी सेंटर के अंदर कुछ भी होगा, सेंटर का जो भी चाइल्ड होगा उसको वो स्क्रीन के सेंटर में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा काम है सेंटर का। अब हर विजिट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। कंटेनर की कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी जो सिर्फ कंटेनर के पास यूनिक होंगी, और सेंटर की प्रॉपर्टीज होंगी जो सेंटर की यूनिक होंगी, पर काफ़ी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं हर विजिट में। जैसे कि एक होता है चाइल्ड करके। अब टेक्स्ट का कुछ चाइल्ड नहीं होता शायद, हाँ नहीं होता। तो कुछ विजिट्स की कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, पर मोस्ट विजिट्स की चाइल्ड प्रॉपर्टी एक होती है। अब चाइल्ड क्या होता है कि सेंटर के अंदर क्या मतलब कंटेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किस चीज़ को मेरे को सेंटर करना है। जैसे जैसे विजिट बदलता है वैसे वैसे चाइल्ड प्रॉपर्टी का डेफिनेशन भी बदलता जाएगा। सेंटर का चाइल्ड होएगा कि किस चीज़ को मैं सेंटर कर रहा हूँ। वो एक पूरा का पूरा कॉलम हो सकता है जिसके अंदर कई सारे विजिट्स होंगे, या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर विजिट हो सकता है, ईदर कंटेनर और टेक्स्ट और एनीथिंग और एनी इमेज इटसेल्फ, ठीक है। अब कंटेनर आ गया, ठीक है। चाइल्ड मैंने डिफाइन किया कंटेनर। कंटेनर भी एक अपने में विजिट है। अब कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज है मार्जिन, कलर, विड्थ, हाइट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, पर ये बेसिक्स है। अब मार्जिन सेट कर दिया। मार्जिन अब हर बार कभी भी वैल्यू सेट करते हैं जब भी मार्जिन की या पैडिंग की, तो हम एज इनसेट्स करके एक प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू सेट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि एज इनसेट्स की वैल्यू ऑल कर दें, कि मतलब चारों तरफ से सेम वैल्यू रखें, कि वर्टिकली अलग रखें, हॉरिजॉन्टली अलग रखें, कि मतलब सारे अलग तरीके से डिफाइन करें, कि लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, अप से इतना, बॉटम से इतना, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे समझ आ जाएगी, पर बेसिक काम यही है कि मार्जिन की वैल्यू सेट करने के लिए या पैडिंग की वैल्यू सेट करने के लिए हर बार एज इनसेट्स डॉट ऑल मतलब एज इनसेट्स करके वैल्यू सेट करी जाती है। जो 10 इसके अंदर दिख रहा है वो एक वैल्यू है जो कि उसकी मार्जिन को असाइन हो जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। फिर कलर जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने कलर सेट कर दिया। कलर्स करके एक मटेरियल जो बेसिक मतलब फ्लटर का जब भी तुम ऐप बनाते हो तो एक मटेरियल करके वो होता है, क्या कहते हैं उसको, लाइब्रेरी होती है शायद, मटेरियल का ही पार्ट है ना कलर्स, तेजस अपनी। हाँ, मटेरियल हाँ डिजाइन मटेरियल, सिस्टम होता है तो उसका पार्ट है कलर्स तुम्हारा। हाँ। तो कलर्स के अंदर कई सारे कलर्स प्री डिफाइंड होते हैं, ब्लैक, ब्लू, एम्बर, ऑरेंज, पर्पल, जो भी मतलब मोस्ट कलर्स डिफाइंड होते हैं। और एम्बर के बाद जो 600 तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा है वो उसकी डेंसिटी है, कि मतलब एम्बर में भी लाइट एम्बर, डार्क एम्बर, ऐसे ऐसे करके होती है ना चीज़ें। तो 600 जो है वो आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 900, 600 हमने दिया हुआ है उसको। ऐसे होता है 100, 200, 300, तो उसमें से हमने 600 प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और फिर बाकी जो दो प्रॉपर्टीज है विड्थ और हाइट, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। विड्थ 48 मतलब यूनिट्स रखना है और हाइट 48 यूनिट्स रखना है। तो ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंटेनर इतना ही है, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, पर वो जैसे जैसे तुम स्टार्ट करोगे वैसे वैसे समझ आती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है टेक्स्ट। तुम्हें कभी भी टेक्स्ट शो करना है तो तुम टेक्स्ट विजिट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट विजिट के अंदर सबसे पहली लाइन रिक्वायर्ड होती है, जो कि होता है जो तुम्हें टेक्स्ट शो करना है। जैसे कि यहाँ पे यूज है हेलो। एक चीज ध्यान रखना, डॉलर साइन अंडरस्कोर नेम यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं बाद में। तो मतलब पहले तो तुम्हारी एक स्ट्रिंग डालनी है तुम्हें कोट्स के अंदर, ठीक है। फिर कॉमा दूसरी। अच्छा, जब भी तुम प्रॉपर्टीज को सेपरेट करोगे हर टाइम तुम कॉमा से सेपरेट करोगे। इसको तुम एक तरीके से एक फंक्शन की तरह देख सकते हो, कि टेक्स्ट एक फंक्शन है जिसके आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं।
आर्ग्यूमेंट्स जब भी पास करते हो तुम कॉमा से सेपरेट करते हो, पर ये फंक्शन है नहीं, ये मतलब ध्यान रखना कि ये फंक्शन है नहीं, बस समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये एक विजिट है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो टेक्स्ट अलाइन हुई है, ठीक है। अब जैसे मान लो टेक्स्ट जो विजिट है सिर्फ वो अकेला विजिट है पूरे आपके अंदर, तो जो भी उसकी हाइट और विड्थ होगी वो पूरा का पूरा आप का अक्रॉस होएगा। जैसे मान लो जो भी हाइट होगी उसकी वो तुम्हारे फोन के स्क्रीन के ऊपर से लेके नीचे तक होगी, और विड्थ होगी लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। लेकिन उसका फॉन्ट साइज कुछ और होएगा, वो अलग चीज है, और उसके जो विजिट का साइज है वो अलग चीज है। अगर तुम उसके टेक्स्ट के नीचे कोई और विजिट डाल दोगे तो वो मतलब जितना उसका रैपिंग हाइट होगी उतना ही अज्यूम करेगा। तो टेक्स्ट अलाइन का क्या काम है कि अगर तो पूरे ऐप में सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, मतलब पूरी स्क्रीन में सिर्फ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट अलाइन अगर तुम सेंटर डाल दोगे तो वो लेफ्ट टू राइट से सेंटर में एक अलाइन कर देगा। बेसिक सी चीज़ है जो तुम मतलब नॉर्मल वर्ड वगैरह में भी करते हो, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन सेंटर अलाइन, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का काम होता है कि मतलब जैसे मान लो कि तुमने डिफाइन कर दिया कि ओवरफ्लो तुम्हें एलिप्सिस रखना है। एलिप्सिस ये तीन जो डॉट्स होते हैं ना वो उसको कहते हैं, जैसे नीचे वाली जो इमेज है हेलो रूथ एलिप्सिस, तो वो टेक्स्ट को छोटा कर देगा और लास्ट में एलिप्सिस डाल देगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज तीसरी चीज़ है स्टाइल। अब स्टाइल हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। स्टाइल बेसिकली टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, अगर तुम्हें उसका बोल्ड करना है या उसका फॉन्ट बदलना है या उसका साइज बदलना है या मतलब कुछ भी तुम्हें स्टाइल करना है टेक्स्ट को, तो ये यूज़ होता है। अब पहले मैंने बोला था कि डॉलर साइन अंडरस्कोर नेम, अगर तो तुम्हें हार्ड कोड नहीं करना नाम को, मान लो मैं लिख देता हेलो कॉमा रूथ हाउ आर यू, ठीक है, तो वो तो रूथ ही रहता। पर मान लो कि मेरा ऐप क्या कर रहा है, बंदे से उसका नाम इनपुट ले रहा है और उसका नाम आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो मेरे को एक नेम करके वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस वेरिएबल की के मैं उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूंगा जो भी इनपुट होएगा मेरे को, और उस वेरिएबल की वैल्यू मैं डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसका नाम है अंडरस्कोर नेम। तो अंडरस्कोर नेम जब भी मेरे को वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है इन अ टेक्स्ट विजिट तो मैं डॉलर साइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। चाहे वो एक इंटीजर हो चाहे वो एक स्ट्रिंग हो कुछ भी हो, डॉलर साइन करके उसको डिस्प्ले करूँगा, बस इतना सा है इसका। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर हिंदी एकदम कवर के इंग्लिश तो सॉरी आई गेस शी इज फ्रॉम साउथ शी इज सेइंग दैट प्लीज स्विच टू इंग्लिश आल्सो हिंदी इज अच्छा नॉट ओके अंडरस्टैंडेबल ओके ओके नो इशू। सर सर कैन आई आस्क अ डाउट हाँ हाँ बोलो। सर, अभी जो टेक्स्ट वाली, हाँ सर, ये वाली स्लाइड पे सर, एक मैं जब ये कर रहा था तो एक दिक्कत बहुत आ रही थी कि जैसे इसमें जो केस है, मतलब कहीं पे लोअर केस है, कहीं पे कैमल केस है, कहीं पे कोई फ्रंट वाला जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ वो कैपिटल है, मतलब ये बहुत अजीब सा चलता है इसमें, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, मतलब जैसे टेक्स्ट अलाइन में टेक्स्ट टी और ए दोनों कैपिटल हैं बट जो प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट अलाइन उसमें कैमल केस है, ऐसा कह रहा है? हाँ, और जैसे ये बाकी तो सब सब हाँ स्मॉल है। ये तो प्री डिफाइंड चीज़ होती है, ये तो मतलब बस है तो है, अब समझना है उसको, उसमें कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। नहीं तो मतलब जैसे सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हमेशा कैमल केस होंगी, इस टाइप से कुछ हाँ रूल हाँ टाइप है हाँ हाँ मतलब। मतलब जो भी तू विजिट की प्रॉपर्टीज का डिफाइन करते टाइम प्रॉपर्टी लिखेगा, जैसे टेक्स्ट अलाइन कोलन से जो पहले का पार्ट है वो हर टाइम कैमल केस में होगा, ठीक है। विजिट्स नेम हमेशा कैपिटल में होता है। हाँ विजिट्स नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो अंदर का पार्ट होता है टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर उसमें जो टेक्स्ट अलाइन है वो हर टाइम ऐसा होगा कि पहला वर्ड पहला लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल में होगा एंड बाकी का स्मॉल में होगा। ये कुछ ऐसे कन्वेंशन होते हैं कि क्लास का कोई भी नाम होगा तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो वो लोअर केस या कैमल केस में होगा, और अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तुम्हारे
प्रोजेक्ट में, तो वो हमेशा कैपिटल और अंडरस्कोर में रहता है या फिर के से स्टार्ट होता है। सो दीज आर सम कन्वेंशंस दैट यू हैव टू लर्न, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लटर में है, मोस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक्स में यही चीज़ें यूज होती हैं। मतलब हाँ ये बेसिकली डेवलपमेंट के ही कन्वेंशंस है कि अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो यू नीड टू नो सच कन्वेंशंस। मतलब गुड रीडेबल कोड इस चीज़ को कहते हैं कि अगर तुम प्रॉपर कन्वेंशंस यूज करो। ओके सर। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉलम, नाउ कॉलम इज अ विजेट विच इज यूज टू डिस्प्ले अ नंबर ऑफ विजेट्स इन अ कॉलम एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ विजेट्स। लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव यूज द विजेट फ्लटर लोगो। ठीक है, अब इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू यूज द सेम विजेट मल्टीपल टाइम्स। यू कैन यूज फ्लटर लोगो एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन इवन यूज अ टेक्स्ट, यू कैन इवन यूज अ कंटेनर, एनीथिंग। ओके, बट द ओनली थिंग अबाउट कॉलम इज दैट इट डिस्प्लेज एवरीथिंग इन अ कॉलम इन अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब कॉलम की भी देर आर मैनी प्रॉपर्टीज। द मेन इम्पॉर्टेंट वन इज चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन के अंदर यू नीड टू स्पेसिफाई अ टाइप कि तुम इस लिस्ट में वॉट आर यू इनपुटिंग इन द लिस्ट। लाइक वॉट वॉट टाइप ऑफ डेटा इज देयर इन द लिस्ट। जैसे कि जब भी तुम एरे डिफाइन करते हो यू नीड टू स्पेसिफाई अ टाइप टू द एरे, इंट एरे, स्ट्रिंग्स का एरे या कुछ भी। तो सिमिलरली कॉलम में भी वेन एवर यू आर डिफाइनिंग चिल्ड्रेन यू नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ द लिस्ट। एंड इन मोस्ट केसेस वी यूज विजेट बिकॉज एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट। ठीक है, इन एवरी केस इनफैक्ट वी यूज विजेट क्योंकि कॉलम इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ विजेट्स। ओके, सो विजेट इज विजेट हेयर इज द टाइप ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एंड फ्लटर लोगो इज अ ईच फ्लटर लोगो इज ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉलम। ठीक है, फ्लटर सिंस फ्लटर है तो फ्लटर ने अपना ही एक विजेट बना दिया लोगों का और उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं हम। तो ये चीज़ है, बस इतना ही है कॉलम में। एंड सिमिलरली एक होता है रो। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो रो इज अ विजेट विच इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ अदर विजेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी वी हैव यूज फ्लटर लोगो ओनली, बट तुम इसकी जगह फ्लटर लोगो की जगह यू कैन रिप्लेस एनी नंबर ऑफ फ्लटर लोगोज विद एनी अदर विजेट एंड यू नो मेक अ मिक्स मैच ऑफ विजिट्स एंड डिस्प्ले देम इन द ऐप इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ठीक है, नेक्स्ट पोजिशन, नेक्स्ट स्लाइड। अभी तो हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टली हमने अलाइन कर लिया विजेट्स को, वर्टिकली अलाइन कर लिया। अब अगर करना हो कि वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टैक एक विजेट है अपने पास, तो स्टैक की एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है तो जो बेसिकली उसको सेंटर से अलाइन कर देता है। इसमें क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे तीन कंटेनर्स हैं, वन ऑफ कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड दे हैव डिफरेंट साइज। सो एंड द टॉप मोस्ट कंटेनर विच इज ऑफ रेड कलर इज एट द बॉटम। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इनको जैसी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेंटर दिया, तो क्या करेंगे कि सारे अपने अपने सेंटर, सारे स्टैक के सेंटर पे आ जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाएंगे। और मेनली इसका काम अभी तो नहीं होगा, बट जब कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन करते हैं, जब एक एक विजेट को दूसरे विजेट के ऊपर रखना है, और उस केस में ये बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज बटन्स। तो फ्लटर में बटन्स का मेनली काम क्या होता है कि कुछ इवेंट को ट्रिगर करना, लाइक यू वांट टू साइन अप फॉर समथिंग और एड अ न्यू आइटम टू योर कार्ट। तो बटन्स का मेनली काम यही होता है कि ट्रिगर एंड इवेंट। अब फ्लटर में काफी सारे तरीके के वैरायटी ऑफ बटन्स होते हैं। एक फ्लैट बटन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें शैडो नहीं होती है और ये यूआई से मिक्स कर जाता है। और एक होता है रेस्ट बटन, इसमें बैकग्राउंड में शैडो रहती है, एक दिख रहा होगा इसमें प्रेस मी वाले बटन में। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो ये मेनली बॉटम में पाया जाता है
और नेक्स्ट इज आइकन बटन। तो यू कैन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ बटन देन मेकिंग इट चाइल्ड एन आइकन, यू कैन डायरेक्टली यूज एन आइकन बटन एंड प्रोवाइड एन आइकन टू इट। एंड इक्वल इफ बटन क्या होता है कि एक जब कोई बटन प्रेस करते हैं तो उस पर स्प्लैश इफेक्ट आता है, मोबाइल में कभी ट्राई किया होगा तो उस स्प्लैश इफेक्ट को किसी भी विजिट में बी इट अ टेक्स्ट और बी इट एन इमेज कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए उसको इंकवेल विजेट से रैप कर देते हैं तो उस वो वहाँ पे स्प्लैश इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट इज आउटलाइन बटन। तो आउटलाइन में क्या होता है कि इट्स सिमिलर टू अ फ्लैट बटन बट इसमें बैकग्राउंड कलर जीरो नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होती है और एक आउटलाइन होती है जिसको कस्टमाइज करके तुम वो कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर एज पर योर विश। नेक्स्ट स्लाइड। अभी बात किया था कि फ्लटर में बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल हैं, तो वो कहाँ पे अवेलेबल है? एक साइट है pub.dev, ये है डेवलपर्स का पब्लिकेशन फ्लटर विजेट्स का, तो यहाँ पे सारे विजेट्स अवेलेबल हैं। तेजस एक बार वेबसाइट शो कर दो। हाँ करता हूँ, स्क्रीन विजिबल है ना अभी भी? हाँ विजिबल। सो यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज नोन एज pub.dev। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्लटर डेवलपर्स वेयर दे कैन मेक देयर ओन फ्लटर विजेट्स, दे कैन मेक देयर ओन फ्लटर पैकेजेस इन डार्ट एंड दे कैन शेयर देम पब्लिकली टू होल द फ्लटर होल ऑफ द फ्लटर कम्युनिटी। सो यू कैन सी हेयर लाइक देर आर मैनी ट्रेंडिंग पैकेजेस विच आर ट्रेंडिंग दीज डेज, दे आर नोन एज फ्लटर फेवरेट्स बिकॉज दीज पैकेजेस आर यूज बाय मैनी डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड। So you can see the most popular packages, top Flutter packages, and if you want to see some particular package for your scratcher, scratchers, what? Scratcher. Yeah. So this is a widget. So this is known as scratcher. As Avnish said, so you can see here what the widget does. You can directly use this widget. Like you want to implement some effect similar to your Google Pay, scratch this coupon and check what did you get. So just simply import this widget to your pubsec.yaml and you can easily customize it and use it in your app, Android app. So here you can see that they have a good documentation about it, like how we can import it, how we can set it up in our project, and how we have to use the scratcher widget in our project. And you can see that they have a good amount of documentation, which are the properties of this is this widget, how we have to use it, and we can go and install in that how we have to install this widget in our application. You can see here. Okay. So Android Studio का वो करके दिखा दें डेमो। हाँ आप डेमो सुन दे, स्टार्ट कर दे। अभी तक किसी को कोई डाउट्स वाउट्स है या कुछ भी है तो पूछ लो। क्या आवाज नहीं आई फिर से एक बार बता दो। योर वॉइस इज क्रैकिंग, चैट पे लिख दो। इंकवेल बटन कह रहे हैं। इंकवेल बटन, अच्छा। इंक्वेल बटन बेसिकली क्या होता है कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो एक स्प्लैश इफेक्ट आता है ना, एक बबल सा, जहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ से इवॉल्व होके एक्सपैंड हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, तो उस इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंक्वेल का यूज करते हैं।
लाइक किसी इमेज को हमने टैप किया तो उसमें इफेक्ट आया कि टैप इट वाज टैप्ड, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। इधर भी वेबएक्स पे भी तुम कोई एक बटन के ऊपर ऐसे होवर करके देखो या क्लिक करके देखो तो उसमें भी इंकवेल वाला इफेक्ट है मोस्ट में, मतलब लैपटॉप पे तो है, सॉफ्टवेयर पे तो है, पता नहीं फोन पे। सो गाइस यू कैन सी हियर दिस इज एंड्रॉइड स्टूडियो एज वी हैव सेंड यू द वीडियो लाइक हाउ टू सेट अप एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर फ्लटर डेवलपमेंट लाइक यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन सी योर एंड्रॉइड स्टूडियो इफ यू हैव फॉलोड दैट वीडियो करेक्टली यू हैव दिस ऑप्शन इन योर एंड्रॉइड स्टूडियो क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दिस ऑप्शन So whenever you click this, like it will ask you about this fourth section, like what you want to develop in Flutter. You have to make a complete user application known as Flutter application. You are going to develop a plugin for users, for like you want to develop a plugin that you will publish to pub.dev, or you want to develop a Flutter package that will be also used by users in their app that you will also push to pub.dev, or you are completely making a Dart library which can be used in Flutter. Okay, so like you can see here the description all about all these, like package is a pure Dart component like a new widget, module is like a Flutter component to add in Android or iOS app, and plugin is an Android or iOS API for developers. Okay, so making a new Flutter application is the most of the time you will be spending on. So you will just press next. So here you can specify the name of your project, and here your Flutter SDK path would be mentioned. So most of the time, about 99%, you don't have to change this, but if it doesn't detect your path, for example, like if it doesn't detect your path, it will become yellow, like it will say Flutter SDK path not given, otherwise it will be there only. Okay, so here you can also specify the project location where you want to save your Flutter project, and here you can say the description about it, what is the app, what the app will do, a short description of 2-3-4 lines. Next. Okay, so this is the package name of your application. Like here you can just paste your domain name, like you are making the application. Okay, now application, for example, I am building the Zomato. Okay, so I can paste here the Zomato domain, because like when we work in industry, we don't make a single Android app or iOS app. We build a complete set of applications. We are developing iOS app, Android app, Windows app, we are developing website also. So here this package name will always use them to uniquely identify them. Okay, and here you can check that we also want to use the Kotlin support for Android, and we also want to use Swift support for iOS. As I said, the Flutter is cross-platform. Okay, so actually I have initialized the project, so I am not going to finish this. I can just open this. So this was done for you guys only. Okay, so now the code is visible. You can see here, like when Android Studio open, you can see this kind of interface where you have this complete project folder. Okay, so this complete project folder, as I said, there is a IDE folder which contains the configuration of IDE, and this new folder which you can see here is known as Dart tool. It also contains some JSON files which contain the configuration of the Dart compiler which is being used by the Flutter. Okay, so as I said, this contains the Android build, this contains the original native code build, this contains the iOS build, and this contains our Dart files. Most of the time you are going to edit the contents of this folder and this pubspec.dev. Okay, so here is the main.dart file. You can see here, like I have imported the material.dart. So what is material? Material is a UI design system developed by Google itself for Android and related applications.
सो हेयर लाइक इन लाइक एज यू गाइस हैव स्टडीड सी एंड सी प्लस प्लस एज ऑफ नाउ यू नो दैट एवरी सी एंड सी लैंग्वेज फंक्शन बिगिन्स फ्रॉम मेन. सिमिलरली डार्ट ऑल्सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मेन. ओके सो वॉट फ्रॉम मेन वी एज सुन एज वी रन आवर एप्लीकेशन द मेन कॉल मेन इज कॉल्ड एंड इन मेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड. दिस इज द फंक्शन विच इज यूज टू रन आर फ्लटर ऐप. सो यू कैन होवर दिस एंड यू कैन सी वॉट दिस फंक्शन डज. लाइक यू कैन सी इट इन्फ्लेट्स द गिवन विजेट एंड अटैच इट टू स्क्रीन. सो विजेट इज कंसर्न लाइक यू कैन रीड अबाउट इट. ओके सो दिस इज माई विजेट. सो इन स्टार्टिंग वेन द विजेट विच इज कॉल्ड माई ऐप इन दिस केस इज ऑलवेज अ स्टेटलेस विजेट. देर इज नेवर अ स्टेटफुल विजेट वेन इट इज कॉल्ड बिकॉज एज अ होल द एप्लीकेशन हैज स्टेट एज इट्स चाइल्ड नॉट एज अ कंप्लीट एप्लीकेशन हैज स्टेट. ओके सो दिस यू कैन सी हेयर. सो हेयर दिस इज द बिल्ड मेथड. सो वॉट बिल्ड मेथड डज इज It just describes the part of user interface which is represented by this widget. Okay, so here I am returning material app. So what is material app? It just contains all the material widgets in a single tree. So it is the root of this tree. Like as I've said in Flutter, there everything is a widget. So widgets are organized in a tree fashion. Okay, like on the top there will be a material app, and in the child it has scaffold and all such kind of things. Okay, so this is the material app you can see here. So material app, in material app we mostly specify the title of our application. We specify the theme of our application. Most of the time in Flutter apps the default theme is blue. You can see here the instructions for more info. And this is known as visual density. So as I said, the Flutter is cross-platform. So there are many Flutter apps can run on many devices, and different devices have different kind of screen sizes. So what visual density does is it specifies that on which device how much dense our app graphics should be. So when we set this as adaptive platform density, it will automatically adapt its graphic density according to the platform it is running. So you can see here returns a visual density that is adaptive based on the default target set platform. For desktop platform, it returns compact. Okay. So this is our main widget, which is the stateful widget. So you can see here these are some things which are specified in this widget because it is the default Flutter app. So it starts from here. Okay. So here you can see this is the state object. As Shaurya has said in our state management, this is known as a state object. Okay, so whenever we call set state, we tell the framework to update the widget. Okay, so soon we'll see this code in action once we run our Android AVD. Okay, so here you can see this is scaffold, this is center, this is column as told by Shaurya, this is text, this is floating action button as told by Amnish. So we are going to see this code in action. Just wait for a few minutes as it starts to build. एक बार फ्लटर आउटलाइन से पूरा वो दिखा दे, मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है अभी एट प्रेजेंट जो भी। हाँ श्योर एक बार आना जाए बस। अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, हर बार पहली बार लगता है, फिर उसके बाद अच्छा हो गया।
Okay guys, so you can see here the application has been built. So like we have to push this button, as application says that we have to push this button and this counter will update. So as soon as I push this button, this updates to 1, 2, 3. So like you can see here, as soon as I press this button, this widget is changing. So hence here we have defined it as a stateful widget. Why? Because it has its own state. As Shaurya has said, that state has the dynamic objects which can change themselves during the runtime. So in runtime, I'm pressing this button. As soon as I press this button, this widget changes. Okay, so in this to change this widget, I have to call the set state, as Shaurya said. So in set state, I am using this functionality that as soon as I call the set state, we have to update the counter by plus plus. Okay, so as soon as it updates, the counter updates, and this widget is implemented by this build method. So this as soon as set state would call, the build widget is again called, and this complete app is repainted on the screen. So this app is completely repainted on screen, then this widget will also be repainted, and it will be repainted by the updated value of the counter. And this whole process is very fast, and it is in about the milliseconds. Okay, so this is the beauty of Flutter, that we don't have to take much hassle about the state management in using set state. Okay, so you can see here. Okay, so second most impressive thing about Flutter, as I haven't introduced, was hot reload. Like for hot reload, I can update my app. Like here I am increasing the counter by 1, I can increase the counter by 2. Okay, so as soon as I hot reload my app, what it does is it just changes the changes the it does it just detect the changes what I have done in my files, and it just load the app that changes only without wiping any data. So here you can see I have performed the hot reload, and I can see the count is only there, but as soon as I press this button, it now updates by 2 units. Okay, you can see. And second thing is hot restart. Whenever I hot restart my app, it just starts again from this function. It will again call the main function, it will again call the my app. So everything would be reprinted, complete screen would be reprinted in the Flutter. Like you can see, it will go to 0. Okay, so it has gone to 0, but not this time, it will start from 0 to 4. Okay, I can again change, I can use any changes in hot reload. Like if I want to change the theme of my app, as you can say, see, I have changed my theme in the app, because it detects the changes in the files. Like I change this thing, so it detects this change. Okay, and set state also, you can see the changes. Like in set state, what I have to do is I can choose anything. Let's change, like, okay, I don't know what I have to change, but we can see here my things. Like here we can use Flutter logo. Here you can see the Flutter logo is here. Okay, or I can just increase its size by counter. Okay, as you can see here, counter is.
can see the changes in real time. Isn't that impressive? How to load it? Yes. Yeah. Hot reload का एक बार बता दे, doubt है किसी को? Okay, hot reload. I will hot restart the application. Okay, so what hot reload does is whatever I will change in my app, because during the development I have to change many files during many implementations. Like here I have to change this color, for example. I have to change this color of my app. Okay, theme color. Like it is red, I want to change it to green. Okay, so this is one change I have done, and I want to update this counter by 5 every time. Okay, so this is the second change I have done. So what hot reload does is it just detect all the changes in your files, and it rerun the app by those changes without affecting the other things during runtime. Okay, so like you can see my color has became green and my counter updates by 5. Okay, now this time if I wanted counter will update by 10. Okay, so then counter will update by 2. So then we can again hot reload the app, and we can see that nothing will change. Like nothing will change during the runtime. That what is depicted will not be changed until and unless it is changed in the code. But now the changes will be seen by, like you can see, it is uploaded, it depends by 2, it increases by 2. Okay, so this is the beauty of Flutter. बेसिकली डिफरेंस तब पता चलता है जब तुम नेटिव एंड्रॉयड में भी डेवलपमेंट करो. नेटिव एंड्रॉयड में क्या होता है कि तुम अगर नॉर्मल तुम फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहे हो तो पूरा ऐप तुम्हें शुरू से लेके वापस से बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है. एंड उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बिल्ड होना इज नॉट एन ईजी प्रोसेस. जैसे फर्स्ट टाइम में तेजस को जितना टाइम लगा था उतना टाइम बार बार लगता है. तो उसके कंपैरेटिवली हॉट रीलोड यूजफुल है, बिकॉज फॉर माइनर चेंजेस लाइक फॉन्ट साइज चेंज होना या यू नो एडिंग अ न्यू विजेट, इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि बहुत ही जल्दी से जो भी चेंज होता है वो विजिबल हो जाता है एक्चुअल तुम्हारा डेस्टिनेशन में. एंड हॉट रीस्टार्ट भी एक अच्छा फीचर है कि वो पूरा का पूरा वो मतलब मेन फंक्शन ही वापस से रन कर देता है विद विद इन वेरी लेस टाइम. तो बस ये एक अच्छा फीचर है फ्लटर का एज कम्पेयर टू नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट. सो ये गाइस यू कैन सी हियर आल्सो लाइक एज वी सेड दैट कंप्लीट एवरीथिंग इज इन फ्लटर इज अ ट्री. सो वी कैन सी हियर दैट एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन अ ट्री फैशन. लाइक यू कैन सी in main we have my app, in my app we have build context, we have material app, in material app we have home page, in home page we have these kind of things. Okay, in outlines you can see also, so this is the kind of outlines you can see. This is known as wireframes. Okay, like you can see this. Okay, so this is some debugging tools which are given by Flutter plugin itself in the Android Studio, which are used by us to debug our app in a much better way. Okay, so any doubts you can turn on your mic and ask. Like you can see here, this is the our widget tree. Like this is the root widget. Root has my app. My app has material app. Material app has my home page, scaffold, center, column.
ओके गाइस, किसी को कोई डाउट है आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस, अभी टाइम बचा काफी, तो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें और बता दें, जैसे इमेज कोई नॉर्मली डालना अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क फ्लटर। हाँ इमेजेस बताओ। कंटेनर का हाँ कस्टमाइजेशन बता दो, राउंडेड कंटेनर का कस्टमाइजेशन। ओके सो कॉर्नर था। हाँ एंड किसी को भी ऐसे ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है कोड देख के, ये जितना भी कोड ऑलरेडी है इसमें, जब भी तुम फ्लटर का कोई भी नया ऐप बनाओगे तो इतना पूरा का पूरा कोड ऑलरेडी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? फ्लटर हाँ जैसे ही तुम ऐप बनाओगे ये पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा, इस पर कुछ भी नया ऐड नहीं किया हुआ था। ओके सो हियर यू कैन सी आई एम राइटिंग कंटेनर। ओके सो कंटेनर, अभी तो जैसे क्योंकि कंटेनर एम्प्टी होता है तो तुमको दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले कंटेनर को देना पड़ेगा कलर। तो कलर हम इसको देंगे कलर्स डॉट ग्रीन। ओके अब इसका हमको विड्थ और हाइट डिफाइन करना पड़ेगा। विड्थ आई विल डिफाइन 40, हाइट आई विल डिफाइन 50। ओके सो यू कैन सी हियर दिस इज पेंटेड नाउ। अब किसी को लगेगा कि जैसे इसमें जीरो में और कंटेनर के बीच में बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग के लिए एक दूसरा विजेट होता है जिसको कहते हैं हम साइज बॉक्स। सो साइज बॉक्स का, अब हमको स्पेसिंग किस में चाहिए, हमको कंटेनर की एक्सेस। तो कंटेनर की एक्सेस क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल एक्सेस में जो पैरामीटर यूज होगा वो होगा हाइट, तो हमको साइज बॉक्स को एक हाइट देनी पड़ेगी जिससे हम इसको एक स्पेसिंग देंगे 7.5। सो हमने इसको एक तरीके से 7.5 की स्पेसिंग दे दी। यू कैन सी हियर इट इज चेंजिंग। ओके सो ये हो गए कंटेनर। अब कंटेनर में और भी आपको कस्टमाइजेशन, लाइक आपको एक बॉर्डर चाहिए तो वी कैन स्पेसिफाई इट इन डेकोरेशन। एंड कुछ एरर आ गया, मेरे को भी नहीं पता क्या है। कलर इक्वल टू कलर तो मैं डेकोरेशन। बाहर भी डिफाइन कर दिया ना शायद उस वक्त। हाँ इसी कारण अच्छा कैन नॉट प्रोवाइड बोथ अ कलर एंड डेकोरेशन। ओके हम कलर नहीं दे सकते, अगर डेकोरेशन दे दें तो। डेकोरेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कलर। हाँ मतलब या तो कलर होएगा या सिर्फ डेकोरेशन का में बॉर्डर कलर होएगा। सो दीज आर सम थिंग्स जो करने से ही आती है, मतलब मेरे को भी जैसे अभी याद शौर्य ने बताया। सो ये ऐसे करते करते कुछ प्रैक्टिस होती है। तो वी रिक्वेस्ट यू कि जो भी हम टास्क देते हैं तुमको वर्कशॉप में उनको करा करो, क्योंकि उसी से होएगा कि तुमको प्रैक्टिस होगी। जैसे अब देखो कि मैं शौर्य या अवनीश भी हैं, तो हम लाइक वी आर इन डेवलपमेंट सिंस 1 ईयर, हम भी कुछ चीजें भूल जाते हैं। सो वही है कि तुम लोग भी हम जो टास्क देते हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करो, तभी अच्छे से सीख पाओगे। सर एक बार में या तो मैं इसके अंदर कलर भर सकता हूँ या बॉर्डर दे सकता हूँ, साथ में नहीं हो पाएगा? नहीं हो सकता है। डेकोरेशन जैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी है ना, डेकोरेशन के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कलर करके। तो या तो तुम कंटेनर के अंदर ही कलर प्रॉपर्टी दो, या तो तुम डेकोरेशन के अंदर प्रॉपर्टी दो कलर की। दो बार कलर देने का कोई मतलब नहीं बेसिकली है। ये साथ में ओके लिखा ना, देख साथ में कलर आ गया, जैसे कि डेकोरेशन के अंदर दे दिया हमने। ठीक है हाँ सर ठीक है। और सर एक चीज़ और, सर हाँ जैसे आपने बताया हॉट रिलोड से वो सिर्फ जो चेंजेस कर रहे हैं वो रन कर देगा, तो सर जब आप रन पे क्लिक करते हो तो वो सिर्फ पूरी ऐप दोबारा रन करता है, मतलब ये फर्क है इन दोनों में?
नहीं, देखो हॉट रिलोड में क्या होता है कि तुम्हारे जितने भी चेंजेस होंगे ऐप में, ठीक है, अभी जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल ऐप में जैसे ये ऐप पूरा इसने पेंट कर रखा है, तो अब जैसे मैं ग्रीन से ब्लू कर दूंगा इसको, तो मैंने क्या चेंज किया फाइल में, सिर्फ एक चेंज किया अभी तक, ठीक है। तो हॉट रिलोड क्या करेगा, जितने भी चेंजेस होंगे तुम्हारे वो कैलकुलेट करेगा और उन सबको सिर्फ इम्प्लीमेंट करेगा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस सर, ऐप में अंदर रन टाइम में क्या चेंजेस हुए, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये 8 हो गया, तो काउंटर की वैल्यू हो गई 8, लेकिन कोड में मैंने क्या चेंज किया, ब्लू, तो वो सिर्फ कोड की चीजों को, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगा और रन टाइम में जो भी चेंजेस हुए उनको नहीं छेड़ेगा, उनको ऐसे ही रहने देगा। जैसे सो देखो 8 चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये कलर ब्लू चेंज हो गया। हॉट रिस्टार्ट क्या करता है, वो पूरा रन टाइम वापस से सेट करता है, और तुमने जितने भी चेंजेस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके पूरे ऐप को वापस से रीलोड करता है सर शुरू जब से। आपने ब्लू क्लिक किया, ब्लू सेलेक्ट किया कलर, उसके बाद आप रन पे क्लिक करते तो काउंटर चेंज होता क्या? हाँ, तो काउंटर 0 हो जाता अच्छा अगर मैं हॉट रिस्टार्ट पे क्लिक करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड किया मैंने कलर, ठीक है। तो अब अगर मैं हॉट रिस्टार्ट क्लिक करूंगा तो इसका कलर रेड होएगा और साथ में काउंटर भी 0 होगा। नहीं सर, हॉट रीस्टार्ट नहीं, मैं नीचे रन किया था, आप रन पे क्लिक कर लेते ना बार बार, नीचे जो बार में रन ये लिखा है। नहीं, ये तो सिर्फ एक टैब है, मतलब इवन अच्छा मतलब ये एक कंसोल है तुम्हारा, ठीक है ना। डार्ट एनालिसिस क्या ओके दिखाता है कि तुम्हारे डार्ट फाइल्स में कोई एरर है नहीं, टर्मिनल तुम्हारा एक तरीके से सीएमडी है, ठीक है। अच्छा रन तो सिर्फ एक टैब है, ठीक है। लॉग अच्छा देखता अच्छा है वो कि ठीक है सर, तुम्हारा रन होते टाइम क्या क्या हो रहा है बेसिकली ऐप में। जैसे तूने देखा हाँ होगा जब उसने सबसे पहले बिल्ड किया था ऐप, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने मेंशन करी थी, तो वो बेसिकली हर एक छोटी छोटी चीज़ को मेंशन करता है कि अभी मैंने ये कर दिया, अभी मैंने ये कर दिया, अभी मैंने ये कर दिया। रन के अंदर ओके पूरा सर, लॉग आता रन का ओके जो क्लियर लॉग सर। होता है उसका यूज़ डिबगिंग के लिए भी कर सकते हैं कि कोई एरर आ रहा था, जैसे उस टाइम पे एरर आया था ना एक, तो उसको यहाँ पे देख के उसने सही किया। और जो ऊपर एक ग्रीन बटन है रन वाला, वो क्या करता है बेसिकली, अगर पहले से ऐप इंस्टॉल्ड होता है तो उसको अनइंस्टॉल कर देता है और उसको न्यू मॉडिफाइड ऐप से रिप्लेस कर देता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, न्यू वर्जन ऑफ एपीके चला जाता है उस पे। और अगर रिलोड करते हो तो क्या होता है कि वॉइड जो तुम्हारा मेन फंक्शन था ना, एक्चुअली वो दोबारा कॉल हो जाता है और पूरा वेरिएबल्स एंड सब चीज रिसेट हो जाती है फिर से। ठीक सर, समझ गया। तेजा सब इनको राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह करके टेक्स्ट का थोड़ा फॉन्ट स्टाइल बदल के दिखा दीजिए। ठीक इमेज भी एक डलवा दे, वो टास्क का भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। है, इमेज चल देखता इमेज हूँ मैं कहीं दे रहा हूँ उसको कर दे, चैट पे डाल रहा हूँ क्या क्या शेड पे डालना है। इमेज का यूआरएल डाल रहा हूँ, तो नेटवर्क इमेज है उसको फेच कर ले। अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ तो देखो गाइस, लाइक अगर हमको जैसे ये कंटेनर जो हमने अभी प्रोग्राम किया, इफ वी वांट द राउंडेड कॉर्नर्स ऑफ दैट कंटेनर, सो व्हाट वी विल डिफाइन, देयर इज अ पैरामीटर इन डेकोरेशन नोन एज बॉर्डर रेडियस, सो दिस इज नोन एज बॉर्डर रेडियस डॉट, आई वांट सर्कुलर रेडियस, आई वांट सर्कुलर रेडियस ऑफ 10, ओके। सो यू कैन सी इट चेंजेस वेरी फास्ट, ओके। आई वॉन्ट सर्कुलर रेडियस ऑफ इन इलिप्टिकल फैशन, ऑल में जाके रेडियस डॉट एलिप्टिकल करके करते हैं। अच्छा, हाँ
तो मतलब देखो वही यही फायदा होता है आईटीज का कि तुम हल्का सा टाइप करते हो तो तुम्हें सजेशंस मिल जाते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तो ऐसे हर 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 कोड का हर लाइन किसी भी डेवलपर को याद नहीं होती, चाहे वो फ्लटर डेवलपर हो चाहे वो कुछ भी डेवलपर हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सजेशंस लेके या इंटरनेट पे सर्च करके ही सारी चीजें होती हैं। मेरे को भी हाँ याद नहीं था वो इसने टाइप किया तो मेरे को समझ आया कि अच्छा हाँ ऐसे करते हैं। हाँ तो ये वो यही होता है कि जब मतलब इसीलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी भी, क्योंकि जैसे जो टास्क देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि तुमको एक बार हर चीज की जैसे नॉलेज हो जाए। सो जैसे अवनीश ने नेटवर्क यूआरएल भेजा होगा। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम नेटवर्क यूआरएल कैसे वो करते हैं। हाँ सो हमको एक नेटवर्क इमेज डिस्प्ले करनी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये नेटवर्क इमेज के लिए एक अलग से हमारा विजेट होता है। दिस इज इमेज। इमेज आ नहीं रहा है, इसको आप ऑन कर। रीस्टार्ट कर देंगे आप? नहीं वो लाइट थीम है ना अच्छा इसीलिए। ओके हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सो यार यू कैन सी। ठीक है तो ये इमेज लोड हो गई। अब अगर आपको इमेज को जैसे रीशेप करना हो कि मतलब इमेज एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट में चाहिए हो, सो वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं हम। ओके सो ये है कि हमने नेटवर्क इमेज कैसे, हमने कोई भी यूआरएल से इमेज फेच सर करी। ये इमेज लोड करने वाला क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बता सकते अच्छा हैं? फिर से बताऊं। हाँ सर। देखो इमेज लोड करने वाला, वैसे तो वो जो ब्लैक वो उसको तो भूल जाओ। देखो ये मान के चलो कि ऐप अभी ऐसा है। ठीक है सो इमेज लोड करने के लिए हमको सबसे पहले जो विजिट चाहिए होगा वो होगा इमेज कंटेनर। ठीक है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कंटेनर है जिसको इमेज विजिट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी सारी इमेजेस लोड होगी। अब इमेज लोड करनी है तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी इमेज। सो यू कैन सी हियर कि ये जो इमेज प्रॉपर्टी है ये किस टाइप का इनपुट लेती है। ये लेगी इमेज प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट कि आपकी इमेज आ कहाँ से ली है। तो दो टाइप के होते हैं इमेज प्रोवाइडर, एक होता है एसेट इमेज। सो एसेट इमेज यहाँ पे हमारे पास है नहीं। एसेट इमेज क्या होता है, आपका यहाँ पे एक फोल्डर होता है एसेट्स करके, वो आप बना सकते हो। उससे क्या होगा, जो भी आपके लोकल इमेजेस हैं, जो भी आपके कंप्यूटर पे इमेजेस हैं, अगर आपको वो डिस्प्ले करनी हो तो आप उनको एसेट्स फोल्डर में डाल सकते हो और pubspec.aml में प्रोग्राम कर सकते हो उनको ताकि वो शो हो सके। और दूसरे काइंड ऑफ प्रोवाइडर होता है नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज क्या होता है कि वो नेटवर्क से इमेज फेच करेगा और आपको इसमें दिखाएगा। सो इधर वो यूआरएल जो मीश ने भेजा था। सर प्लीज रिपीट असेट इमेज असेट। हाइट किस यूनिट में है, हाइट पिक्सल्स में। ठीक है जैसे हाइट, अब मैं वैसे लिखूंगा डबल, डबल तो उसका डेटा टाइप होगा कि वो डेसिमल्स को भी सपोर्ट करेगा, जैसे 155.5 5.5 ऐसे ही विड्थ, विड्थ भी है 115.5। ओके सो ये हो गया और अपना बाकी है अभी वैसे ही चल रहा है। ठीक है ना। सो ये है। और दूसरी चीज कंटेनर की, जैसे मतलब कॉलम की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। सो यहाँ तुम देख सकते हो कि यह एक प्रॉपर्टी दे रखी है हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है।
कॉलम को मतलब क्या है, एक कंटेनर है जो आपके सारे विजिट्स को वर्टिकली स्टैकअप करता है। तो हम किसी भी, अगर हमको सेंटर में स्टैकअप करना है तो कोई भी, अगर ये आपका वर्टिकली स्टैकअप करता है तो इसकी जो मेन एक्सिस होगी वो होगी वर्टिकल एक्सिस, और इसकी जो क्रॉस एक्सिस होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो वी कैन प्रोग्राम इट लाइक दिस, मेन एक्सिस जो है हमारा, अगर ऐसा हम इसको हटा दें, ठीक है, सो व्हाट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस कि बिल्कुल कॉलम ऊपर से स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा। अगर हम इसको ऐसे प्रोग्राम करें, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, सो सारे विजिट्स के बीच बीच में इवन स्पेसिंग होगी। सो यू कैन सी कि सबके में इक्वल स्पेसिंग है पूरे में, ठीक है। एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या करेगा, क्रॉस एक्सिस में उसको अलाइन करेगा। स्टार्ट ओके। अगर किसी को डाउट होगा कि ये यहां तक एंड तक क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने पैडिंग दी हुई है, ठीक है। तो पैडिंग दी होने से क्या होता है कि वो पूरा एंड तक नहीं जाएगा, या साइज लोग भी दे रखा है। ओके देखो साइज बुक्स के होने से फर्क आया। ओके सो लास्ट थिंग जो, मतलब एक और चीज जो हमको डिस्कस करनी थी वो ये है कि हमको टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है। सो जैसा कि हमने पीपीटी में देखा था, प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट स्टाइल। सो टेक्स्ट स्टाइल में हम जाके चेंजेस कर सकते हैं फॉर द फॉन्ट साइज। फॉर एग्जांपल हमको फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है। ओके सी कि फॉन्ट साइज बड़ा है, ठीक है। अगर हमको फॉन्ट वेट सेटअप करना है, फॉन्ट वेट मीन्स कि बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड तो कितना बोल्ड, बहुत ज्यादा बोल्ड, कम बोल्ड, इट्स नोन एज फॉन्ट वेट। सो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट वेट होता है वो होता है 400। सो अभी आप देखोगे कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बट एज सून एज आई डू इट बाय 700 फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी कि वो उसका फॉन्ट वेट बढ़ गया। और अगर मैं कम पे जाऊंगा तो फॉन्ट बहुत पतला हो जाएगा। ओके सो दिस इज वन थिंग। अगर फॉन्ट कलर चेंज करना है, सो और क्या बताऊं, अवनीश अगर सर, जैसे फॉन्ट का कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉर फॉन्ट एग्जांपल स्टाइल, कैलिब्री या एरियल, ये ऐसे हाँ टाइप तो का। वो फॉन्ट्स देखो, वो फॉन्ट्स जो है वो तुमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो वो फॉन्ट इंपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है गूगल फॉन्ट्स यूज करने का, बट वो अभी आज नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से क्लास लगाएंगे कि पबस्पेक को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि होता है यामल से ही कॉपी पेस्ट कर लेना, हाँ? यामल से ही कॉपी पेस्ट कर लेना, यमल में होगा नहीं ना फॉन्ट, वही कमेंटेड होगा वो, उसको अनकमेंट कर लेना। अभी तुम इस पे ध्यान मत दो कि यामल क्या है और फॉन्ट्स कैसे ऐड हो हाँ रहे हैं, उसके लिए बस अलग से बताएंगे, हाँ ठीक अभी बस इतना देख लो कि फॉन्ट अगर है तुम्हारे हाथ में डिफरेंट तो उनको कैसे है। हाँ अप्लाई हम करना। उनको इधर अप्लाई कर सकते हैं जैसे, ठीक है। बाय द वे ये TTF फाइल अभी है नहीं क्योंकि हमने एसेट्स फोल्डर अलग से बनाया नहीं, तो ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम दिखा देते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी, देखो जहां भी ना दिखे तो इंटरप्ट कर देना कभी। अभी दिख रही है
ये फॉन्ट अब देखो, ये फॉन्ट से गूगल फॉन्ट पे अवेलेबल नहीं, तो फॉर एग्जांपल मैं राहुल भाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है फ्लटर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स करके, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से एक फॉन्ट ला रहा हूँ तो उसको मैं एसेट्स फोल्डर में रखूंगा, एसेट्स में फॉन्ट्स में। सो यहाँ देख सकते हो कि फॉन्ट आ गया, तो बस ओके। सो अब फॉन्ट हम यहाँ तो ले आए, अब हमको अगर इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लिया एसेट जो है हमारा, सर ये एसेट वाला क्या किया आपने? देखो मैंने क्या किया, देखो तुमने जैसे बोला कि फॉन्ट चेंज करना है, तो ठीक है, तो हाँ फॉन्ट नहीं, वो समझ आ गया कि आपने एसेट को एक फोल्डर में, एसेट्स करके एक फोल्डर बनाया और उसके बाद उसको फॉन्ट्स में जो है आपने जो नया फॉन्ट डाउनलोड किया था वहां पे उसको हाँ रखा। उसके बाद यहाँ हाँ पे कोड में क्या किया? कोड में देखो पबस्पेक, जो जैसे जो शौर्य ने बताया था कि पबस्पेक में क्या होता है, तुम्हारे जो भी मतलब थर्ड पार्टी असेट्स हैं, थर्ड पार्टी का क्या मतलब, वो बाहर से जो भी आ रहा है तुम्हारे, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का खुद का नहीं है लेकिन बाहर से तुम कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो वो हम पबस्पेक में मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉन्ट्स मेरे को बाहर से लेने थे, तो मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे को फॉन्ट्स लेने हैं बाहर से, कौन सी फॉन्ट फैमिली लेनी है, मेरे को रालवे फॉन्ट फैमिली लेनी है, ठीक है, तो हमको ये एसेट दिखाना है रालवे में, ठीक है। सो एसेट का जैसे जो भी नाम है मैं कॉपी करूंगा, जो भी इसका नाम है लिया है, सब लिया है। ठीक है, सो ये फॉन्ट अब मैंने अपने इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो अब जैसे बोल रहा है मैपिंग वैल्यू नॉट अलाउड है, वीडियो में सब को ऑन है यार, हो सकता है वैल्यूज। सो देखो ये एरर्स आ जाते हैं पबस्पेक में भी कई बार, क्यों, क्योंकि जैसे अभी जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ एरर है, तो क्या एरर है मेरे को भी नहीं पता, तो इस पे भी ज्यादा से फैमिली ज्यादा। का जो पहले हाइफन है उसके पहले एक और स्पेस दे दे, आई गेस सही रहेगा। यहाँ नहीं, फैमिली के हाइफन के भी पहले। हाँ अच्छा हाइफन के भी पहले यूं, हाँ पबस्पेक डॉट यामल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट नहीं हुआ ना। हाँ तो वही है,
अच्छा हाँ, ये सेम इंडेंट पे नहीं थे ना। पब्सपेक अब डॉट जैसे यामल कि बहुत ही डेलिकेट सी फाइल होती है, इसमें अगर तुम ऐसे इंडेंटेशन भी सही से नहीं दोगे तो उसमें भी एरर्स आ जाते हैं, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि पब्सपेक डॉट यामल को जब भी एडिट करना है तो कॉपी पेस्ट ही करो, कभी भी खुद से एडिट करोगे तो एरर्स आते रहेंगे। अभी भी नहीं हुआ? वही देख रहा हूँ मैं। ये फॉन्ट्स मतलब मैं भी ज्यादा वो हाँ करता नहीं ये हूँ, फॉन्ट स्टैटिक। सर, यहाँ पे एसेट लिखकर फोल्डर का नाम एसेट्स है, उस वजह से हो सकता है क्या? नहीं, अच्छा, इस वजह से है कि एसेट मैंने बेसिकली टाइप है कि एसेट क्या है तुम्हारा, ऊपर एसेट्स लिखा तो वो ठीक है उसमें। ओके सर। एक बार फॉन्ट्स के पहले भी देख के देख एसेट्स नाम। हाँ वो अभी अनकमेंट किया ना मैंने, अच्छा उसी का वो, दिक्कत हुआ होगा हाँ ठीक है। पक्का। देखो एसेट्स टू बी लिस्ट पर गॉट मैन। एक बार फॉन्ट्स से लेके नीचे तक सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दे, एसेट्स के अंदर का पार्ट है ना ये, कहीं शायद हो जाए मेरे को गलत फॉन्ट्स हो। को मतलब एसेट के अंदर रखूं यही ना? हाँ, ऐसे मतलब उसके हर नीचे हर लाइन में फिर दे दे एक एक स्पेस। कितना इंडेंटेशन देना है तो ये भी नहीं पता मेरे को। सर सेकंड सेकंड एसेट का सर पाथ कलर, सर किसका? सेकंड एसेट का या स्टैटिक लेके आए? दो का होता है यार, दो दो स्पेसिस का। अभी दे दे, अभी जितना दे रहे थे। हाँ दो मैंने टैब दिया एक एक बस सही है, फिर तो टाइप से होता है। गॉट लिस्ट बट गॉट फोन्स। भाई पता नहीं क्या आ रहा है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बस। एक बार गूगल पता नहीं फॉन्ट्स में देख, ये ट्राजन प्रो वाला है क्या, नहीं तो सीधा उसी को अनकमेंट कर और बता देता। हाँ वही देखना पड़ेगा। अब देखो गाइस जैसे यहाँ भी होता है कि अब हम मतलब एक साल से जैसे मैं फॉन्ट शुरू का किया। हाँ अपने बोलो। एसेट्स का फॉन्ट फाइल का नेम चेंज कर दीजिए डाउनलोड करने की जगह। ऐसे नहीं होता राजा भाई, नहीं हो और सकता भी इनक्रिप्शन वगैरह भी होता है। ऐसे, थोड़ा होता है ब्रो। मतलब ये चीजें तुम सीखोगे। जैसे अब देखो हम लाइक मैं शौर्य वगैरह भी एक साल से हैं डेवलपमेंट में, बट हमको जैसे ये एरर नहीं आया ठीक है, तो फॉन्ट्स ऐसी चेंज चीजें करना होती नहीं आ हैं मतलब। रहा हाँ बताओ, तो ये चीजें होती है। ट्रेजन है सही लेकिन वो ये वो बाहर के सोर्सेस से एग्जैक्टली मतलब वहां से नहीं है, गूगल फॉर्म से। अरे गूगल कर लेना हाउ टू चेंज फॉन्ट्स, तो वो प्रॉपर तुम्हें बता देंगे कि ये चीज कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो तुम कर लेना। अच्छा करके दिखा रहा है, चल ठीक है कर ले। कर ही देते हैं ना यार, अब क्या करें। देखो फोन्स फ्लटर, फोन्स फ्लटर का डायरेक्ट चाइल्ड है। देखो इसने इसने राल भी यूज किया, चलो बढ़िया है। देखो ऐसा भी है, अनेबल टू लोकेट एसेट एंट्री पब्सपेक डॉट इन फॉर्म्स।
ये देख लेते हैं, आई गेस बाद में कभी कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में देख के बता देंगे। हाँ वही लग रहा है, रुक जा। हो गया। एक्चुअली पाथ गलत पढ़ रहा था वहां पे, एसेट्स नहीं हाँ डाले थे। हाँ सो अब जैसे हमको ये चेंज करना है तो हम इसमें राग लिखेंगे। और कुछ भी होता है क्या इसके अलावा? रेलवे रेगुलर तो नहीं डालना वगैरह? फॉन्ट फैमिली रेलवे जैसे कॉमिक सेंस डालना। हाँ, तो जो भी तेरे को फॉन्ट डालना है उसका बेसिकली तेरे को गूगल फॉन्ट से पहले फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के बाद जैसा उसने किया कि फॉन्ट्स वाले फोल्डर में उसको प्लेस करना है, एंड देन pubspec.yaml में चेंजेस करना होता है। अभी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि pubspec.yaml में चेंजेस करते टाइम जैसा जैसा साइट पे दिया हुआ है कोड वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि देख रहे हो हल्का सा भी इशू इधर उधर आता है तो वो नहीं चल पाता। हाँ ठीक है, वो भी है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में, पबस्पेक को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ है, तो यही होता है गाइस। हाँ बोलो, वही मैं कह रहा था सॉरी। कि इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो पूछ लो फिर। हाँ ये हम भी बता देंगे अगली हाँ, क्लास ये में। अगली क्लास में हम लोग भी अच्छे से देख के आ रहे हैं। हेलो सर, हाँ सर ये विजिट्स जो लिखे हैं सर, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में शो होंगे सर? हाँ कॉलम के हाँ अंदर जिस ऑर्डर में बिल्कुल, लिखोगे उसी ऑर्डर में शो होंगे। क्योंकि देखो यहाँ जो तुम्हारा विजिट कोड है फ्लटर इंस्पेक्टर में जो दिखाया था ना, तो इधर भी तुम जिस भी ऑर्डर में लिखोगे वो उसी ऑर्डर में रेंडर होंगे। मतलब कोड जैसे ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है ना, तो तुम्हारा जो भी कोड होगा तो वो ऊपर से नीचे उसी, तो तुम्हारे जितने भी विजिट्स होंगे वो ऊपर से नीचे उसी ट्री में दिखेंगे। एक बार पोजीशनिंग ऑफ द विजिट्स बता सकते हो? जैसे डेव प्लस वाला है, ये जो है अपना राइट कॉर्नर पे है, ऐसे हाँ टाइप का। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से जैसे प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना? जो तुम्हारा इसकी जो, प्रॉपर्टी होती है तेजस, हाँ किसकी? फ्लोटिंग एक्शन बटन की बात कर रहे हैं ना ये? हाँ, हाँ तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, तो उससे तुम लोकेशन डिफाइन कर सकते हो कि सेंटर पे रहना है या राइट पे रहना है या लेफ्ट पे रहना है। इस पे नहीं, नीचे होता है, इसके फ्लोटिंग। बाद अच्छा ऑन प्रेस्ड इसके करो। मतलब इसके अंदर? अच्छा स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी होती है अच्छा ये देखो, ये है लोकेशन। सेंटर डॉग्ड, सेंटर फ्लोट। प्रणव यही कह यस सर, ऐसे ही कुछ बोल रहा था कि जैसे कोई नया अगर विजिट डालना है अपने को और उसका पोजीशन अपने को डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे? तो हाँ, तो ये सारे विजिट्स में देख ऐसे अलग ही अलग होता होती है। देख ये जो विजिट है ना, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये तो चल एक अपने आप में अलग विजिट है। अगर तेरे को जैसे अलग से कोई बटन लेना हो, ठीक है ना, तो तेरे को उसकी पोजीशन अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेज के नीचे तूने एक रेज्ड बटन दिया, ठीक है? जैसे ये रेज्ड बटन है एक,
ठीक है, तो अब जैसे ये सेंटर का रखा है, क्यों सेंटर है, क्योंकि ये तेरे कॉलम का अपने आप में जैसे कॉलम कॉलम का चाइल्ड है और कॉलम के सारे एलिमेंट्स खुद में सेंटर है, तो ये भी सेंटर होगा। ठीक है, अब अगर तू चाहता है कि ये लेफ्ट में हो बिल्कुल, तो तेरे को या तो इसको कॉलम से बाहर कर, ठीक है, तो इसको तेरे को कॉलम से बाहर करना पड़ेगा, या तेरे को सारे कॉलम की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। कॉलम से बाहर करेगा तो ये देखना कि जैसे बॉडी में जैसे सिर्फ सेंटर है और कॉलम है, तो उसके अलावा और कोई इसका पेरेंट विजिट है नहीं, तो तेरे को इसको भी कॉलम में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तेरा जैसे तू इसको कंटेनर में रखता है, किसी कंटेनर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरे को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कंटेनर में जैसे रखेगा तो इसका कुछ साइज होगा, अब जैसे ये इसने कंटेनर का क्या किया, इसने कंटेनर का ही साइज इनहेरिट कर लिया, तो ये तेरा जो रेज बटन है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जिस भी पेरेंट में रहेगा उसका साइज इनहेरिट कर लेगा अगर उसका कोई स्पेसिफिक साइज है तो। देख रहा है, जैसे ये बटन प्रेस होने से इसने इवेंट ट्रिगर कर दिया, ठीक है ना, तो ये चीज है। अब अगर तू इसमें इसको पैडिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे शोर ने बताया था एजेंट्स इंसर्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं हमको, तो हम 15 दे देंगे जैसे। देख रहा है फर्क आया कि अब ये तेरा पूरा साइज इनहेरिट नहीं कर रहा है, ये अब सिर्फ उस पैडिंग में है जितनी पैडिंग इसको दी गई है। और अगर तेरे को पैडिंग सिमेट्रिक देनी है, मतलब जैसा स्टैक में होता था ना कि एक के ऊपर एक, वैसा सा कंसीडर कर। अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, कंटेनर में होती है तो उससे उसके अंदर के सारे आइटम्स को लेफ्ट में राइट में, एक होता है विजिट पोजीशन, तो उसके हिसाब से एक स्टैक के एलिमेंट्स को किसी एक स्पेसिफिक एक्स कॉमा वाई लोकेशन पे डाल सकते हैं। बट अभी बेसिक बेसिक से विजिट सीख लोगे तो उतने से हो जाएगा बहुत कुछ। एक बार कंटेनर की विड्थ हटा दे और फिर लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट टॉप लेफ्ट कर दे कुछ, कंटेनर की विड्थ हटा दे बस एक बार। अच्छा, मतलब फिर शायद वो हो जाएगा ना, एकदम ही लेफ्ट में चला जाएगा। ग्रीन क्यों आ रहा है अभी भी, ऐसा कर लगा इसको ग्रीन दे रहा था। रुक, कंटेनर की विड्थ हटा देंगे तो फिर अलाइनमेंट चेंज करके लेफ्ट वाला कर दे, कोई एक लेफ्ट वाला कर दे। हाँ, तो फिर देख रहे हो, मतलब अगर तेरे को सिर्फ बटन चाहिए लेफ्ट में तो तूने उसको एक कंटेनर में डाला, कंटेनर का जो विड्थ था वो स्पैन हुआ अक्रॉस द स्क्रीन, और स्पैन होने के बाद उसके कंटेनर के अंदर टॉप राइट वाला टॉप लेफ्ट वाला हो रखा है, इसने रिलोड नहीं किया, टॉप लेफ्ट वाला लोकेशन जो है वो प्रेस मी ने ले लिया, बटन ने ले लिया। ठीक है, अब टॉप राइट। और ये कंटेनर का तेरा कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी पेरेंट उसका जो भी पेरेंट है वो उसका कंप्लीट साइज इनहेरिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे तेरा जैसे कंटेनर है वो कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम का क्रॉस एक्सेस में जैसे पूरे पर स्पैन होगा, तो कंटेनर क्या करता है, अगर उसको तुमने कोई साइज नहीं दिया तो वो पूरा साइज लेता है, ठीक है ना, अपने पेरेंट का पूरा साइज लेता है वो। जैसे अगर कलर तू देखेगा,
देख तू ये पूरा साइज ले रहा है कंटेनर का, इस एक्सेस में, इस एक्सेस में नहीं ले रहा है। इस एक्सेस में क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास नीचे और भी विजिट्स आने की जगह है, लेकिन कंटेन कॉलम में क्या होगा, इस एक्सेस में कोई विजिट्स नहीं आएंगे तेरे, क्यों? क्योंकि ये कॉलम है, ये वर्टिकली स्टैक करता है, हॉरिजॉन्टली स्टैक नहीं करेगा। तो ये इस एक्सेस में तेरा पूरा साइज लेगा, ठीक है ना? अगर हमने इसको अलग से वो नहीं दिए विड्थ और हाइट, और अगर हम इसको अलग से दे देंगे तो ये पूरा साइज मिलेगा। ठीक है, देखा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो यही है कि ये करते करते ही सीखोगे। तो वही है कि टास्क करोगे जो कि करने चाहिए तुमको, तो उससे तुम ये चीजें लर्न करोगे। अब तुम देख रहे हो कि जैसे कि ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो बीच बीच में भूल जाते हैं हम लोग भी, तो वही है कि ये चीजें करोगे तो ही प्रैक्टिस होती है ना? पैकेज एडिट करना अभी बताना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे किसका, पैकेजेस का? पैकेज का। वो हाँ, पब से कैसे पैकेज वो करने हैं। ठीक नेक्स्ट में करें, नहीं तो अभी 10 मिनट ही तो बचा है। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है ना? हमने जो प्लान कर रखा था वो तो काफी जल्दी खत्म हो गया। हाँ यार, वो घंटे भर पहले ही खत्म हो गया, तो वो ये चलो इनको दिखा दिया कि कैसे मतलब होता है इसमें, ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी जितना अपने आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ आता रहेगा। कुछ भी चीज़ उठा लो और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ सर, हमने इसमें अगर विथ और हाइट एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करा है प्रॉपरली, तो फिर सर इसकी हाइट एंड विथ कैसे कैलकुलेट होगी कंटेनर की? विड्थ तो जैसे इसने तेजस ने बताया ना कि सिंस जो उसका पेरेंट है एक्सेस वो के एक, अकॉर्डिंग? हाँ जो उसका पेरेंट है वो एक यस कॉलम है और कॉलम में चीज़ें वर्टिकली स्टैक होती हैं, तो जो वर्टिकल यस एक्सिस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हाइट होगी। तो हाइट उसका डिटरमाइन नहीं करता, हाइट वो अपने चाइल्ड का रैप कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा जो विड्थ होएगा जिसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉलम का, कॉलम के अंदर कुछ भी हो विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो विड्थ वो पूरे अपने पेरेंट का स्पैन कर लेगा। अगर मान लो कॉलम को ही मैं पैडिंग दे दूँ, मतलब कॉलम को ही मैं पैडिंग दे दूँ, तो लेफ्ट और राइट से कॉलम ही छोटा हो जाएगा तो कंटेनर भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। या सर पेरेंट विथ कम हो जाएगी तो सर उसकी भी हो जाएगी कम? हाँ और चाइल्ड हाइट को वो रैप कर देगा अगर कुछ ना मेंशन किया जाता। ओके सर, कंप्लीटली रैप कुछ कोई भी पेरेंट नहीं करता, हल्का सा डिफरेंस हर टाइम रहता ही है, बट पैडिंग के थ्रू उस डिफरेंस को हम बड़ा घटा सकते हैं। अगर पैडिंग हमने मेंशन कर दिया 0 तो वो बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेगा। ऐसे टाइटली टाइट हो जाएंगे सर सारे कंपोनेंट्स? हाँ टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ओके सर, सर कॉलम के अंदर सर रो को नहीं बना सकते सर, एक बना सकता है कॉलम के अंदर रो बना सकता है, रो के अंदर कॉलम बना सकता है, स्टैक के अंदर कॉलम के अंदर रो बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब बेसिकली कुछ कितना भी तू, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हाँ तू अगर कुछ भी विजुलाइज कर रहा है कि पहले मेरे को एक रो चाहिए फिर कॉलम चाहिए फिर रो चाहिए फिर कॉलम चाहिए रो के अंदर कॉलम चाहिए, तो उतना तू कर सकता है। बस फिर यही है कि स्क्रीन साइज सेंस कम होता है, मतलब मोबाइल डेवलपमेंट में स्क्रीन साइजेस कम होते हैं, तो उस हिसाब से यूआई डिज़ाइन करो कि ज़्यादा ऐसे रो के अंदर कॉलम के अंदर रो ना। बाकी करने को तुम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रो वाला करके दिखाऊंगे कंटेनर की जगह, रो ही तो लगाना है बस, बस टेक्स्ट लगाऊंगा उसमें। हाँ हाँ करके दिखा दे, मतलब कंटेनर की जगह एक रो लगा दे और उसके अंदर 3 कंटेनर्स डाल दे। हाँ वही करना पड़ेगा, पहले तो डार्क करूंगा।
अब जैसे डार्क थीम के अंदर भी अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि कलर प्राइमरी कलर मेरा ब्लैक हो या तुम्हें चाहिए कि डार्क ब्लू कलर हो तो वो भी तुम डिफाइन कर सकते हो। डार्क और लाइट थीम्स भी कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं। जैसे लाइट थीम के अंदर इसने तेजस ने पहले भी करके दिखाया था, रेड कर दिया था, ग्रीन कर दिया था, वैसे ही डार्क के अंदर भी तुम कस्टमाइज कर सकते हो। प्राइमरी स्वैच करके होता है ना शायद। वो उसमें होता है सर लाइट में प्राइमरी, अच्छा या स्वॉच जो होता है ना वो सिर्फ लाइट में होता है। डार्क में तो उसका डिफाइंड होता है, लेकिन उसका कुछ तरीका होता है कॉपी विद करके, डॉट कॉपी विद। नहीं, कैनवास कलर एग्जैक्टली होता गया है इसमें कैनवास कलर बेसिकली वो होता है ना शायद कलर स्कीम। बैकग्राउंड। हाँ वही मेरे को भी लगा था, लेकिन वो अलग होता है कुछ। हॉट रीस्टार्ट करके देखे एक बार। नहीं हो गया मेरे हिसाब से यही है। हाँ बहुत ये कुछ ज्यादा ही है, देख नल नहीं रह सकता कुछ भी। सरफेस अरे कुछ हटा दे मतलब ये, मतलब कलर्स बेसिकली ऐसे ही चेंज करना है अपना। तुम देख सकते हो ये होता ऐसे ही है, ठीक है ना। हर उसकी वैल्यू सेट करते रहना जब मेहनत कर रहे करोगे हैं कुछ। ये। ये तुम देख सकते हो। नहीं इस कॉलम के अंदर ही रो बना दे सो दैट वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाए। अच्छा यूँ, बस वो कंटेनर जो बना हुआ है उसको रैप कर दे रो के साथ। हाँ वही कर रहा था मैं। और ये जो कंटेनर, हाँ कंटेनर को रो के साथ रैप कर देते हैं। दूसरा ये जो इमेज है ना इसको इसी में डाल देते हैं। हाँ बढ़िया। देखो जैसे रो में भी वो सब होता है, तुम्हारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी वो, तो मेन एक्सिस रो की क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तुम सेंटर कर सकते हो, ठीक है ये देख सकते हो। तो ये चीजें हैं। सो ये कि ये चीजें करते करते होती है, हमको भी याद नहीं थी, आज हाँ तुम लोग को जैसे पढ़ाया तो प्रैक्टिस हो गई हमारी भी, ठीक है। सो यही है जो गाइस। टास्क का वो दिया है डॉक उसके अंदर काफी है, मतलब दो तो है मिनिमम ऐसे ऐप्स जिनका सिर्फ यूआई यूआई बिल्ड करना, मतलब जितना काम तेजस ने किया है अभी तुम्हारे सामने बस उतना ही करना तुम लोगों को। तो वो ट्राई करो कि आज ही अटेम्प्ट कर लो दोनों में,
जावा में भी और फ्लटर में भी, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है फिर एंड करें शो का? हाँ कर देते हैं, कंक्लूड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग हियर।